हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाले हैं और प्रॉब्लम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये वाले फॉर्मूले। इन सब फॉर्मूलों में देखिए कितने सारे केसेस हैं और मैंने देखा कि बच्चों को याद रखने में बड़ी परेशानी का सामना होता है, तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं इनको कैसे आप इजीली याद रख सकते हो। ये सारे केस याद करने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल स्टेटमेंट में हर एक फॉर्मूले के सारे केस आपको याद हो जाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे डिराइव होते हैं और ये सब हम करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस में आप ITF के फॉर्मूले यूज करने से बेटर है कि ट्रिगो के फॉर्मूलों को यूज करना सीखो। तो आपको कुछ नया भी याद नहीं करना पड़ेगा और ट्रिगो के फॉर्मूलों से ही लगभग 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो यहां देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको पता करना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कब क्या होता है, करेक्ट। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, -1 to the power n एंड x - n π, दैट्स ऑल। बस यही फॉर्मूला है, इसमें सारे केस इंक्लूड हो गए। बस इस n पाई को आपको समझना है कि ये n पाई क्या है। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है, देखो ये n पाई क्या है, रिमेंबर हियर n पाई इज मल्टीपल ऑफ पाई, दिस इज द मल्टीपल ऑफ पाई नियरेस्ट टू x, दैट्स ऑल। जो x के सबसे नजदीक वाला पाई का मल्टीपल है वो है n पाई, ओके। तो जैसे मान लो आपका x का वैल्यू 5π/2 से 7π/2 के बीच में है, तो उसमें नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा, 3π, करेक्ट। तो यहाँ n का वैल्यू 3π पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 3π - x, सिंप्लीफाई करने पर। तो ऐसे जिस भी रेंज में आपको पता करना हो, बस आप ये पता करें कि वहाँ पे पाई का नियरेस्ट मल्टीपल क्या है और इसको यूज करिए, सारे केस बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक ऐसे ही यहाँ आ जाइए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है, तो इसको भी याद करने के लिए बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, यू शुड राइट इट मोड ऑफ एक्स माइनस 2n π, ओके। यहां ये जो 2n π है ये क्या है, 2n π इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, करेक्ट। यहां सब में n जो है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो 2n π क्या हो गया, 2n इवन नंबर हो गया, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई नियरेस्ट टू x। तो यहां थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपको उसके नजदीक का इवन मल्टीपल देखना होगा। ठीक ऐसे ही बच्चों, टेन इनवर्स ऑफ 10x के लिए आपको क्या याद रखना है, दैट इज इक्वल टू x - n π, वेयर अगेन n π इज नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई नियरेस्ट टू x, ठीक है। एंड सिमिलरली कॉट इनवर्स कॉट एक्स के लिए आपको क्या देखना है, दैट इज इक्वल टू x - n π, बट देर इज सम डिफरेंस, यहाँ n पाई जो है वो मल्टीपल ऑफ पाई तो है बट वो नियरेस्ट टू x, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है। यहाँ n पाई क्या है, मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, विच इज जस्ट लेस देन टू 2x, x से जस्ट छोटे वाला, x के जस्ट पहले जो पाई का मल्टीपल आएगा वो है ये, ओके। जैसे मान लो कि x का वैल्यू ऐसे पाई से लेके 2π के बीच में है ना, लेकिन x यहां है तो नियरेस्ट तो 2π है लेकिन वो नहीं लेना, कॉट इनवर्स कॉट x के केस में क्या लेना, इससे जस्ट पीछे वाला पाई का मल्टीपल लेना है, ओके। तो ये फॉर्मूले हैं, बस आपको याद हो जाएंगे, भूल भी जाओ तो देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जिससे और आसानी से चीज आपको याद रहेगी, अगर आप समझ के चीजों को याद करोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं। तो यहां समझिए देखिए कैसे आते हैं ये, फॉर एग्जाम्पल बच्चों जैसे मुझे पता करना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या है और मैं मान लेता हूं कि ये थीटा है, करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये साइन इनवर्स का आउटपुट है, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल रेंज में होगा -π/2 से +π/2, आप सब लोग जानते होंगे साइन का प्रिंसिपल रेंज जो है वो ये है, करेक्ट। अब इस साइन को उठा के मैं उधर लगा दूं तो मुझे मिला sin x = sin θ, यही मिला ना। अब याद करो क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा कि इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x = n π + -1 की पावर n और थीटा, करेक्ट। अब यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, देखो
ये एन हो गई है ना, ये आएगा एक्स माइनस एन पाई, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई, और इसको दोनों साइड माइनस वन पावर एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर तो प्लस वन हो जाएगा और सामने मिल गया ये, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ से हम ये फॉर्मूले निकालें, ठीक है। ठीक ऐसे ही कहानी कॉस इनवर्स कॉस एक्स की है, ठीक है। अभी सोचो ऐसे होता कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर थीटा, तो पहली बात तो यहाँ प्रिंसिपल रेंज क्या, जीरो से पाई, सो आपको मिला कॉस एक्स बराबर कॉस थीटा, यानी एक्स बराबर टू एन पाई प्लस माइनस थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एन पाई एंड प्लस माइनस। अभी प्लस लेना है कि माइनस लेना है ये कैसे डिसाइड करेंगे, देखो थीटा क्या है, जीरो से पाई है, तो थीटा मस्ट बी पॉजिटिव, तो ये टर्म कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, तो आप ऐसा वैल्यू चूज करेंगे जिससे ये पॉजिटिव आए। तो इस चीज को देखो, अगर ये टर्म पॉजिटिव हुई तो इसको एज इट इज ले लेंगे प्लस साइन लेके, नेगेटिव हुई तो माइनस वाला साइन ले लेंगे, और इस बात को आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हो मॉड लगा के, तो यही सारी बात मॉड में हो जाएगी। आपको हमेशा इसका पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, इसका मैग्नीट्यूड ही लेना है, ठीक है। ऐसे बच्चों आप बाकी दो भी खुद ट्राई करके देखिएगा। तो आई होप कि अब आप समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूले हम कैसे इजीली याद रख सकते हैं। तो चलिए अब इनको अप्लाई तो आपको करना आता ही होगा, तो आप इनको अप्लाई कीजिएगा क्वेश्चंस में, राइट। और अब जब फॉर्मूले हमारे पास है तो हम किसी भी केस में इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं और वहाँ पर इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। किसी और दिन हम बात करेंगे इसके ग्राफ के बारे में और इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल के बारे में। टिल देन गुड बाय, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, वो जो घंटे का बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अलर्ट आपको मिल जाए। गुड बाय।